और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जगह जगह पानी भर गया है और इस सबसे वेस्टर्न लाइन पर लोकल ठप हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस वक्त क्या ताजा हालात है? देखिए, ताजा हालात जो है वो ये है कि वेस्टर्न रेलवे की जो लाइन है वो पूरी तरह से ठप हो गई है रेलवे लाइन, और सेंट्रल रेलवे की जो दो ब्रांचेस हैं मेन लाइन और हॉपर लाइन, उन पर भी भारी बारिश का असर पड़ा है। 15 से 20 मिनट देरी से दोनों लाइनें चल रही हैं, ट्रैफिक इफेक्ट हुआ है। और वेस्टर्न रेलवे की ना केवल लोकल ट्रेनें बल्कि इसके अलावा जो आउटस्टेशन ट्रेनें हैं वो भी नहीं निकल पा रही हैं, ना आ पा रही हैं, उनकी आवाजाही पर भी असर पड़ा है। बीच कई पानी भर गया है। अगर मैं दक्षिण मुंबई जी, धन्यवाद जितेंद्र आपका। तो वेस्टर्न रेलवे जो लाइन है उस पर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है, और ना सिर्फ लोकल बल्कि जो आउटस्टेशन ट्रेनें हैं उन पर भी असर पड़ा है, साथ ही साथ सेंट्रल जो लाइन है उन लाइनों पर भी असर पड़ा है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो काफी देरी से चल रही हैं। मुंबई में बारिश से किस तरह बुरा हाल है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां पानी भरा है ये आपको बताते हैं। हिंदमाता, परेल, किंग सर्कल, लालबाग पश्चिम, अंधेरी, ये वो इलाके हैं जहां पानी भर गया है, पानी जमा हो गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, सबवेज पर पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई के वो इलाके हिंदमाता, परेल, किंग सर्कल, लालबाग पश्चिम, अंधेरी, इन इलाकों में जल जमाव के चलते गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। सड़क पर तो असर पड़ा ही, साथ ही साथ रेलवेज पर भी पड़ा है, और हवाई जहाज की जो आवाजाही है उस पर भी असर पड़ा है। जेट एयरवेज की फ्लाइट आधा घंटा देरी से चल रही है। हिंदमाता और अंधेरी मुंबई के दो इलाके जहां जल जमाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह मुसीबत की बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर जल जमाव हो गया है, और जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, संपर्क टूट गया था आपसे, आप बता रहे थे इस वक्त क्या ताजा हालात हैं, खासकर लोकल को लेकर। जी हाँ, लोकल ट्रेन के बारे में मैं बता रहा था कि लोकल ट्रेनों की तीनों लाइनों पर असर पड़ा है। वेस्टर्न रेलवे पूरी तरह से ठप है, जबकि सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर लाइन पर भी असर पड़ा है, और मोबाइल फोन के नेटवर्क्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। कॉल काफी ड्रॉप्स हो रहे हैं, यहाँ पर सभी को यह समस्या आ रही है क्योंकि मोबाइल टावर भी जो है, भारी बारिश और जो तेज हवाएं चल रही हैं इसका असर उन पर भी पड़ा है। इस वजह से मोबाइल फोन के कॉल्स भी बार बार ड्रॉप हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। दक्षिण मुंबई के दादर, हिंदमाता इलाके में, परेल इलाके में, किंग सर्कल इलाके में पानी भरा है। इसके अलावा उपनगरों में घाटों पर मानखुर्द, चेंबूर, इन इलाकों में पानी भरा हुआ है। वेस्टर्न उपनगरों की अगर मैं बात करूं तो सेंटा क्रूज, विले पार्ले, अंधेरी, मलाड, कांदेवली, इन इलाकों में पानी भरा हुआ है। आज शाम को 4:30 बजे के करीब अरब सागर में हाईटाइड भी है, और अगर हाईटाइड तक जो है उसके पहले तक ये बारिश अगर बंद नहीं होती है तो शहर में जो है और भी सिचुएशन खराब हो जाएगी, पानी और भी बढ़ जाएगा। जी जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर से रुख करेंगे आपका। तो एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमें ये जरूरी जानकारी दे रहे थे कि सड़कों पर असर पड़ा है, ट्रेन्स पर असर पड़ा है, साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क्स पर भी असर पड़ा है, और दोपहर 4:30 बजे हाई टाइड की चेतावनी दी गई है, और अगर हाई टाइड होती है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।